पानी से प्यास न बुझी तो मैखाने की तरफ चल निकला। सोचा शिकायत करूं तेरी खुदा से, और खुदा भी तेरा आशिक। अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं, जब शाहरुख खान को बॉलीवुड के विलन ऑन पे ऑन स्क्रीन खूब पीता था और इस लड़ाई के बाद गुलशन ग्रोवर को चुकानी पड़ गई थी भारी कीमत। जी हाँ, एक इंटरव्यू के दौरान गुलशन ग्रोवर ने बताया कि एक फिल्म ने शाहरुख खान को पिटने के चलते उन्हें कैसे वीजा पाने के लिए मेहनत करनी पड़ी थी, मतलब रियल की एक्शन के कारण रियल में लेने के देने पड़ गए थे। फिल्म के सीन्स और स्टोरी के कारण गुलशन को शाहरुख खान को मारना पड़ा, जिसके बाद शाहरुख के फैंस गुलशन से नाराज हो गए थे। गुलशन ने कहा कि शाहरुख खान को पिटने के लिए उन्होंने सिंगल डे का अपना वीजा गवा दिया था। एक इंटरनेशनल ट्रिप यानी कि मोरक्को के लिए गुलशन ग्रोवर को सिंगल डे वीजा चाहिए था, लेकिन इस सीन के बाद उनका वीजा रद्द हो गया था। इतना ही नहीं, गुलशन ने यह भी बताया कि जब वे फीमेल ऑफिसर के पास गए ताकि उन्हें एक दिन का वीजा मिल जाए, तो उस ऑफिसर ने भी वीजा देने से मना कर दिया, जिसके बाद गुलशन ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि वो फिल्म की सीन थी, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे और उन्हें अपनी फ्लाइट मिस करनी पड़ी। वहीं अगर बात करें किंग खान की अपकमिंग मूवी धुनकी की, तो धुनकी के कारण वो बहुत ज़्यादा आजकल चर्चाओं में बने हुए हैं। धुनकी की अनाउंसमेंट के बाद से ही शाहरुख खान के फैंस बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गए हैं, लेकिन वही शाहरुख खान के हेटर्स तो जल गए थे। जहां वे सोच रहे थे कि बॉलीवुड का किंग अब नहीं आएगा, वहीं किंग खान को वापस इंडस्ट्री में देखने के बाद उनकी तो बोलते ही बंद हो गई है। फिल्म धुनकी में शाहरुख खान आपको ऐसे ही एक रोल में नजर आने वाले हैं, एक बहुत ही डेंजरस रिस्की और चैलेंजिंग रास्ते को पार करते हुए नजर आएंगे किंग खान। फिल्म में इलीगल इमिग्रेशन के बारे में बताया जाएगा, साथ ही इलीगल इमिग्रेंट्स को क्या होता है, उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ता है, कैसे क्या उनके साथ किया जाता है, ये सब दिखाया जाएगा इस मूवी में। आप देखना ये है कि किंग खान अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं या नहीं। आप देखना ये है कि जो सपना वो अपनी आंखों में लेकर चले थे वो पूरा हो पाता है या नहीं। आप सबको बता दो कि शाहरुख खान अपनी कमाल की कहानी के साथ बैक टू बैक फिल्मों से एक बार फिर अपने फैंस और ऑडियंस को बॉलीवुड का रुख करने के लिए मजबूर करने वाले हैं, जिसमें किंग खान की फिल्म धुनकी भी शामिल है। इस फिल्म में एक लव स्टोरी भी दिखाई जाएगी, साथ ही एक पंजाबी लड़की की स्ट्रगल मेहनत की दास्ता भी सुनाई जाएगी। आपको बता दें कि शाहरुख खान इस टाइप की फिल्म पहली बार करने जा रहे हैं, वो भी एक्ट्रेस तापसी पन्नू के साथ। अब देखना यह है कि इनकी ऑडियंस कितना पसंद करती है इनको एज अ कपल। फिल्म धुनकी और उससे जुड़ी कोई भी न्यूज को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो इस चटपटी अपडेट के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपसे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।